आज कसम खाती हूँ, जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वहां से नहीं उठूंगी। चाहे हमारी लाश उठा के ले आना, फिर जो करना है कर लेना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। जिससे भी आना है, हमारे पीछे आए, हमारे साथ आए, मेरी 36 बिरादरी, मेरा समाज। पर मैंने ये देख लिया है कि जो छोटे परिवार के होते, जो मिडिल क्लास के होते, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सब कुछ सबूत हमारे पास है। वो दो कौड़ी का आदमी अय्याशी से। आप सभी को नमस्कार, मैं राहुल गुजर घोषे गेट नोएडा से। आज यहाँ पर समस्त हमारे साथी पूरी टीम बैठी हुई है और 36 बिरादरियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अमन भाई का जो केस है आप सबको पता होगा, 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे सभी भाई डीएनडी पर पहुंचे। जो भाई के साथ नाइंसाफी हुई है उसमें इंसाफ दिलाने का काम करे। जो परिवार आज इस दुखद घटना से घटित है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय गो माता। बोडा की गांव से अमन भाई के लिए पूरी सपोर्ट है। नौजवान साथियों, 29 तारीख को 11 बजे डीएनडी पे जस्टिस फॉर अमन बेसला, जस्टिस फॉर अमन बेसला, जस्टिस फॉर अमन बेसला। मेरे भाई अमन बेसला के साथ जो भी कुछ हुआ, कल को आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ या किसी भी जाति धर्म के इंसान के साथ हो सकता है। सो इसलिए वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी करके सपोर्ट करो। और यार सिर्फ न्याय तो चाहिए, इंसाफ ही तो कराना है, सही गलत यही तो प्रूफ करना है। खड़े हो जाओ, एकता दिखाओ प्लीज़।